हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ IEX का Q3 रिजल्ट के बारे में और इंटरिम डिविडेंड के बारे में। तो चलिए डिटेल में जानते हैं IEX का क्या है इंटरिम डिविडेंड और Q3 रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं। तो रिसेंटली IEX ने Q3 रिजल्ट और डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये January 25, 2024 को निकाला गया ये नोटिफिकेशन, ठीक है। इस बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड का जो है डिक्लेरेशन हुआ है। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो, अप्रूव द पेमेंट ऑफ अन इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। और जो डिविडेंड मिलेगा वो है 1 रुपीज, यहाँ पे आप लोग को मिलेगा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, ठीक है। और जो रिकॉर्ड डेट है वो है February 3, 2024 को रिकॉर्ड डेट रखा गया है। उससे पहले अगर आपके पास IEX का शेयर है तो आप लोग को 1 रुपीज डिविडेंड जो है आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये था गुड न्यूज रिगार्डिंग इंटरिम डिविडेंड। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ Q3 रिजल्ट के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो, ये रहा Q3 रिजल्ट, क्वार्टर एंडेड, 9 मंथ्स एंडेड, ईयर एंडेड, और जो भी कैलकुलेशन है वो लैक्स में कैलकुलेशन है, ठीक है। टोटल इनकम आप लोग देख सकते हो, पिछले क्वार्टर से यहाँ पे आप लोग को जंप देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि 14,121 लाख है, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में 13,297 लाख था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11,734 लाख है, ठीक है। और टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट है क्वार्टरली बेसिस पे, और ईयर एंड ईयर बेसिस पे भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पिछले क्वार्टर से यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, दैट इज 12,228 लाख, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे आप लोग को जंप देखने को मिल रहा है, दैट इज फ्रॉम 10,080 to 12,228। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9,200 लाख, और पिछले क्वार्टर से यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे इंक्रीमेंट आप लोग को देखने को मिल जा रहा है। और अर्निंग पर इक्विटी शेयर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पिछले क्वार्टर से यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज 1.03, पिछले क्वार्टर में 0.97 था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.86 था, ठीक है। तो ये था Q3 रिजल्ट के बारे में IEX का और इंटरिम डिविडेंड के बारे में। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।